सोनकच्छ के समीप ग्राम बड़ी चुरलाए में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया। गौशाला को कमलनाथ सरकार ने स्वीकृत किया था। भूमि पूजन के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल, आयोजक राजेंद्र सिंह बैस सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, ये तो एक धर्म की बात अपन छोड़ दें, गौ माता समस्त कार्यकर्ता से सार्वभौमिकता, चाय पानी की नाश्ता रखे पूरे विश्व में मानी जाती है। और कांग्रेस ने कभी गौ माता या धर्म के नाम पे समस्त कार्यकर्ता से निवेदन है, गौ माता की जो दुर्दशा कमलनाथ जी ने गोपाल बाय कार जा रहे थे जब देखी थी, तब उन्होंने कहा सज्जन इसको एजेंडे में रखना है, जितनी गौशाला है अपन बना सकते हैं, दूसरा बजट काट दो, लेकिन गौ माता निराशित नहीं रहना चाहिए। जनता लाने देखो, ये 15 साल इसका चेहरा देख के शिवराज का जनता हो गई बोर, जब ही तो उसको हटाया, अब ये फिर आके बैठ गया तो जनता की यार उसकी कब तक झूठ सच सुने। अच्छा चलो शिवराज, अब आ गए ज्योतिरादित्य, जनता ने देख लिया कि यार ये अपने साथियों को चुनाव जिता के बेच तो देता, अभी बिके हुए आदमी के भाषण में दम ही नहीं है, क्या फ़ायदा। तो जनता का मोह हो गया भंग, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लाला के कुर्सियाँ भर रहे। अभी सावेर में परसों का वीडियो आया, आपने खुद देखा हो, आपकी चैनलों ने चलाया, पूरे लोग उठ उठ के भाग गए, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इससे समझ में आना चाहिए कि 28 में से 28 सीट कांग्रेस जीत रही है।